चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूँ आज के समाचारों को लेके। तो आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के भोटा स्थित राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल पूरे 9 महीने के बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसके चलते लोगों के मन की मुराद पूरी हुई है। इस अस्पताल को कोरोना काल में कोविड सेंटर बना दिया गया था, इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस अस्पताल में हमीरपुर और बिलासपुर जिला का बहुत सा क्षेत्र आता है, जहां पर सस्ती दरों पर दवाइयां और मुफ्त इलाज किया जाता है और लोगों को भारी खर्च से निजात मिलती है। इससे दोनों जिलों की जनता को लाभ मिलता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आज शाम 4 बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रत्याशियों ने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मतदान 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान के बाद वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में 27 जनवरी से स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। इस पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के तहत प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की नियमित पढ़ाई शुरू करने की योजना है। बैठक में गैर बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं पर भी फैसले होने की आसार है। वहीं राहत भरा समाचार ये है, हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ से कोविड-19 वैक्सीन पहुँच गई है और 16 जनवरी को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वैक्सीन को लेकर वीरवार शाम करीब 7 बजे शिमला पहुंचे, जहां से वैक्सीन को प्रदेश के अन्य केंद्रों में भेजा गया। पहले चरण में हिमाचल प्रदेश को 93,000 डोज भेजे गए, जिन्हें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि 16 जनवरी को प्रदेश के डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को टीका लगेगा। हिमाचल के कुल्लू जिला में 122 केजी चरस और 295 केजी गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई चरस की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। पुलिस बयान के अनुसार ये अब तक के इतिहास में सबसे अधिक बरामदगी है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान आज हमीरपुर में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुआ। इस अभियान के जिला प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री पंकज भारतीय ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जिला में विभिन्न स्थानों पर 1568 कार्यकर्ता घर घर जाकर अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। अयोध्या में बनने वाले इस भव्य मंदिर के लिए हमीरपुर NIT के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने 1 लाख रुपए का सहयोग दिया है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाह है। इसके अतिरिक्त नदौन नगर की 75 वर्षीय श्रीमती कैलाश देवी ने भी अपने परिजनों सहित 1,01,000 रुपए की धनराशि नदौन के संयोजक सुभाष वाडिया जी को भेंट की। तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।